फ्रेंड जय जगन्नाथ, वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली करंट अफेयर के टफ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को। इस वीडियो में आज की डेट है 10 अक्टूबर की, हमने करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं आज की क्या क्वेश्चन रहे। हु स्टार्टेड द हमसफर पॉलिसी, ये जो स्क्रीन में देख रहे हो हमसफर पॉलिसी, ये किसके द्वारा स्टार्टेड करवाया गया है। हु स्टार्टेड द हमसफर पॉलिसी, ये नितिन गडकरी यानी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की एक इनिशिएटिव है। हमसफर मतलब ऐसा है कि ये न्यू दिल्ली में स्टार्टेड करवाया गया है। कौन सी प्लेस में? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में ये स्टार्टेड करवाया गया है, मतलब ये ऐसा है कि ये एक आप रहे, कौन सी आप, एक राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना, एक राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन, यानी आपको ऐसे भी हाईवे ट्रैवल ऐप, एक हाईवे ट्रैवल ऐप रहे। ऐसा है कि इसमें आपको फ्यूल स्टेशन एंड जो फूड फैसिलिटी जो रोड में रहे, ये आपको इजीली प्राप्त हो सके। इसलिए ये जो नितिन गडकरी के द्वारा उनकी एक इनिशिएटिव है, नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करवाया गया है। एंड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसमें और एक भी खास बात यही है कि इसका स्थापना आपको 1995 में देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनना, 1995 में, याद रखिए, हेडक्वार्टर आपको वही न्यू दिल्ली में मिलेगा, बस यही याद रखिएगा। आगे की ओर पढ़ते हैं, ये रहे नोट रहे, क्या रहे, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्चेस हमसफर पॉलिसी ऑन ट्यूजडे, इंट्रोड्यूसिंग फैसिलिटी लाइक क्लीन टॉयलेट, बेबी केयर रूम्स एंड ई वी चार्जिंग स्टेशन एंड पार्किंग स्पेस अलॉन्ग नेशनल हाईवे। द पॉलिसी एम टू प्रोवाइड द सफर प्रोवाइड ए सेफ एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलर्स, बस यही याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर टू, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द निजुक्ति मोइना स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम है, कॉलेज गाल के लिए ये बेनिफिट हो सकता है, मतलब ये आसाम की है, ये सही आंसर ऑप्शन डी सही होगा। ध्यान से सुनना, ये जो एजुकेशन को प्रायोरिटी देने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेन एम रहे, जो जितना भी कॉलेज गाल रहे उनके लिए ये हेल्प हो सकता है, जो प्लस टू से लेकर जो पीजी तक पोस्ट ग्रेजुएट तक, ये उन्हें एक राशि एक जो कि उनके दी जाएगी। ध्यान से सुनना, जो 11 कक्षा से लेकर जो 12th तक ये दी जाएगी, जो कि 1000 रुपीज़ दी जाएगी, 1000 रुपीज़, एंड ग्रेजुएशन के लिए 1200 एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2500 रुपीज़ उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब उन्हें बेटियों को जो कि स्वावलंबन, जो कि पढ़ाने के लिए एक एक इनिशिएटिव है कि उनके मैरिज नहीं करेंगे उनके पिता माता की पैसा के लालच में आकर, सो बस यही याद रखिएगा, उन्हें पढ़ाने पर ये जो कि जो 11 से 12 ये 1000 और उसके बाद जो कि 12000 जो कि 1200 जो कि ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2500, बस यही इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा। उनकी भी आपको सीएम आपको पूछे तो ये किसके इनिशिएटिव है, हेमंत बिश्व शर्मा यानी जो सीएम रहे। गवर्नर आपको पूछे तो ये है गवर्नर है जो कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो कि ये गवर्नर रहे जी, 32nd नंबर की गवर्नर है आसाम के। आसाम के बारे में और भी काफ़ी सारे डिटेल्स आपको बता दूँ, आसाम की कैपिटल आपको पूछे तो कैपिटल है दिसपुर एंड स्टेट डे आपको पूछे तो December 2, ध्यान से सुना, ये जितना भी लिख लिख कर एक एक बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना, 1996 से ये ऑब्जर्व की जा रहा है, याद रखिएगा। स्टेट बार्ड आपको पूछे तो ये है व्हाइट विंग्ड वुड डक रहे, ये उनके स्टेट बार्ड है। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर थ्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024, फिजिक्स में यानी भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2024 के किससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए फॉर जो देख रहा हूँ, जॉन जे होप या फिर ज्योफ्री ई हिंटन, ये कौन से आंसर सही होगा, यही दोनों आंसर सही है, यानी जो दी के ही उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कि गॉड फादर ये उन्हें कहा जाता है, ज्योफ्री ई हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो मॉडल जो उन्हें उनकी गॉड फादर कहा जाता है,
याद रखिए। और जो ये दोनों ऑप्शन जो सी एंड डी पर देख रहे हो ना, ये उन्हें मेडिसिन क्षेत्रों में दी गई है। टू पीपल सिलेक्टेड करवाए गए हैं मेडिसिन क्षेत्रों में, विक्टर अम्ब्रोस एंड जो ग्रे रूपकन, ये दोनों दोनों को दी गई है मेडिसिन क्षेत्रों में एंड फिजिक्स क्षेत्रों में ये दोनों को दी गई है। ध्यान से सुनना, हमने अभी टफ ये जो इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहे हमने इससे डिस्कस करने वाले हैं। क्या रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। नोबेल प्राइज ये 1901 से शुरुआत करवाया गया है इंडिया में, स्टार्टेड करवाया गया है फर्स्ट टाइम। फर्स्ट जो कि फर्स्ट आपको पूछे तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि कौन सी ईयर में फर्स्ट इंडिया 1913 में दी गई थी, उनकी जो बुक एक रहे गीतांजलि के लिए उन्हें दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। याद रखिएगा ये उनके याददाश्त में दी जाती है, अल्फ्रेड नोबेल, ध्यान से सुनना, अल्फ्रेड नोबेल उनकी एक याददाश्त में दी जाती है। एंड अल्फ्रेड नोबेल को भी फादर ऑफ डायनामाइट कहा जाता है, फादर ऑफ डायनामाइट कहा जाता है। सो याद रखिए ये जो नोबेल प्राइज है ना ये दी जाती है जो कि टोटल में सिक्स फेजेस मतलब फाइव फेज था, अभी के टाइम में सिक्स फेजेस मिलेगा। एक तो रहे मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स ये 1968 से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसी फील्ड में दिया जा रहा है, बस यही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या रहे नंबर फोर, बातुकामा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट एंड ऑब्जर्व रिसेंटली। ये भातुकामा फेस्टिवल जो कि कौन से स्टेट की है, तेलंगाना की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तेलंगाना। ये नाइन डे तक ये ऑब्जर्व करवाई जाती है, ये वुमेन के लिए एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, नाइन डे के लिए ऑब्जर्व की जाती है। याद रखिए जो ये जो पूजा की जाती है ना, ये जो गॉडेस रहे वो है महागौरी, ये उन्हीं की पूजा की जाती है वुमेन के द्वारा। बात करते हैं सीएम तेलंगाना की, सीएम है जो कि रेवंत रेड्डी सीएम है एंड गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। कैपिटल है हैदराबाद, याद रखिएगा कैपिटल हैदराबाद। एंड स्टेट डे आपको पूछे तो स्टेट डे ये 2 जून को सेलिब्रेट की जाती है एंड 2014 में ये एक सेपरेट स्टेट बने थे। बाढ़ आपको पूछे तो ये तेलंगाना की जो कि स्टेट बाढ़ आपको पूछे तो इंडियन रोलर एंड ब्लू जय भी कहा जाता है। याद रखिए एनिमल आपको पूछे तो जिन्नाक यानी डियर एक डियर है स्पेशल टाइप की डियर है, ये इस स्टेट की है। सो याद रखिए भातुकामा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ये है तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे एक, आगे की ओर बढ़ते, क्या रहे क्वेश्चन में, विच स्टेट लॉन्चेस द संकल्प इनिशिएटिव कौन से स्टेट की है। ध्यान से सुना, संकल्प इनिशिएटिव ये कौन से स्टेट की आपको पूछे तो ये इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की आपको सीएम पूछे तो सीएम है जो कि सुखविंद्र सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन रहे, गवर्नर जो कि रहे शिव प्रताप शुक्ला। याद रखिएगा उन्हें की जो कि मतलब सेलिब्रेट की जाती है जो कि ये मतलब ये जो एक इनिशिएटिव संकल्प इनिशिएटिव जो मेडिसिन रहे ना मेडिसिन क्षेत्रों में ये रिलीज करवाया गया है। रेजुवेशन जो कि रिवेल्यूशन में ये लॉन्च करी गई मेडिसिन क्षेत्रों में, बस याद रखिएगा। एंड ये इस स्टेट की कैपिटल आपको पूछे तो कैपिटल है समर कैपिटल एक रहे शिमला एंड विंटर कैपिटल जो रहे वो है धर्मशाला। विंटर कैपिटल दोनों कैपिटल रहे। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर सिक्स में, विच कंट्री टॉप इन ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 ये किसके इनिशिएटिव है, किसके द्वारा, विच कंट्री टॉप की है, कौन सी कंट्री ये टॉप की है, ये इंडिया ने टॉप की है, मतलब ये इंडिया ने टॉप की है। फर्स्ट फॉर आपको पूछे तो ये इंडिया जो कि फर्स्ट फॉर, उसके बाद इटली जो कि सेकेंड, नॉर्वे जो कि थर्ड फॉर रहे, नॉर्वे थर्ड फॉर रहे। याद रखिए इंडिया में इसमें जो गोल्ड मेडल अचीव किए ना ये है 13 गोल्ड टोटल में, 13 गोल्ड एंड 3 सिल्वर ओन की है एंड 8 ब्रॉन्ज इसमें से ओन की है, 8 ब्रॉन्ज टोटल ऐसे मिला के आपको 24 मेडल आपको मिलेगा, 24 मेडल। याद रखिएगा ये इंडिया ने टॉप की है। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर सेवन में, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपको पूछा तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व करी जाती है, बस यही याद रखिए। और जितना भी इंपॉर्टेंट डे रहे अभी रहे, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ये 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को कॉफी डे, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती एंड 2 अक्टूबर की लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है, 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे एंड 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे,
4 अक्टूबर ये है वर्ल्ड टीचर डे। वर्ल्ड टीचर डे एंड एक जो कि इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है टीचर्स डे। ये टीचर्स डे आपको पूछे तो मतलब वन मंथ आपको इनमें से घटा देना, ये आपको मिल जाएगा जो कि इंडिया में जो ऑब्जर्व करी जाती है टीचर्स डे सेप्टेम्बर 5। या देखिए वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे, 10 अक्टूबर जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे। यही याद रखिएगा, जितना भी सारे इंपॉर्टेंट सीट रहे हमने डिस्कस करते रहते हर बार। 8 क्वेश्चन में क्या रहे, व्हाट इज द मास्कट ऑफ द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। मास्कट क्या रहे, ये गुड़िया रहे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुड़िया। ये जो देख रहे हो ना, ये एक बाढ़ है। कौन सी स्टेट की बाढ़ है, ध्यान से सुनना, एक बाढ़ जो कि जो बिहार है ना, बिहार की एक स्टेट बाढ़ है, बिहार की एक स्टेट बाढ़ है, एक गुड़िया, मतलब गुड़िया नहीं, उसे गौरिया कहा जाता है, ध्यान से सुनना, गौरिया कहा जाता है, उन्हीं नाम से ये रिलेटेड रहे, ये बाढ़ मतलब गुड़िया रहे, याद रखिएगा, ये उनके मास्कट रहे। नंबर 9, बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 इज रिलीज्ड बाय व्हिच बैंक। बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 इज रिलीज्ड बाय व्हिच बैंक, कौन सी बैंक के द्वारा रिलीज करवाया गया है, वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक की इनिशिएटिव। आज के लास्ट क्वेश्चन क्या रहे, व्हिच इंडियन बिलर प्लेज हैज ओन द सिंह बिलर सिंगापुर ओपन टाइटल 2024। ये किसने ओन किया टाइटल 2024, ये पंकज आडवाणी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंकज आडवाणी। सो याद रखिए, ये जो कि ओन की है विलार्स ओन संघ जो कि विलार्स सिंगापुरियन टाइटल 2024 की है। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त याद शेयर कर लेना, एंड बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैंने बहुत ही कम समय में ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त याद शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।